तर्क मेरे पास थे, लेकिन उस तर्क को सुनने वाले कहां मिलेंगे। अगले दिन सुबह मुझे याद है, आपने से कुछ लोगों को भी याद होगा, जनसत्ता अखबार में प्रभात जोशी ने एक एडिटोरियल लिखा, फ्रंट पेज का लगभग आधा पेज का एडिटोरियल था, वो था मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर कलंक। और वो एडिटोरियल कुछ नहीं था, भगवान राम की जिंदगी के एपिसोड थे, और हर एपिसोड के बारे में क्या बात को कहते थे, हर पैरा के बारे में, कल रात को जो हुआ, कल शाम को जो हुआ, वो तो इसका विपरीत था, वो इस पे कलंक था, वो तो इसका ये नहीं था। मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे देखते हैं, इन लोगों ने क्या किया। उस एडिटोरियल ने मुझे जुबान दिखी, मैंने उसकी सैकड़ों जीरोक्स कॉपी करवाई, बहुत महंगा होता था उन दिनों में जीरोक्स करवाना, आज तो काफी सस्ता है, अभी मास्टर की तनख्वाह से मैंने जीरोक्स कॉपियां करवाई, उसको बांटा। ऐसा नहीं कि लोग पढ़ते ही कुछ बदल गए, पढ़ने वाले तो मेरे पड़ोसी थे भी नहीं ज्यादा, मैंने पढ़ पढ़ के सुनाया, यूनिवर्सिटी में जाके फिर बांटा। ऐसा नहीं कि लोग बदल गए, लेकिन मुझे बात करने का एक जरिया निकला उससे, कि ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम का काम तो नहीं हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर यह काम कर रहा है। वो सबक जो मुझे तब मिला, कई और साथियों को भी मिला, हमें से कई लोगों ने सीखा, लेकिन 25 साल में भी क्या हम लोग पूरी तरह से सीख पाए। अगर हम सीखना चाहते तो 1989 में अलार्म बेल मिल गया था, उसके बाद 25 साल थे नरेंद्र मोदी को सत्ता में आने तक, हमने क्या किया उसको। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एक बड़ी कल्चरल बैटल हम हार गए हैं, तो अब क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं ये कि इस बात को रिकॉग्नाइज करके गिरे पड़े हैं, कोई बात नहीं, कपड़े झाड़े, खड़े हो जाए और लंबी लड़ाई की तैयारी करें। आरएसएस वाले जिनके बारे में मैं दिन रात कहता हूं, आप भी आलोचना करते हैं, हम सब आलोचना करते हैं, लेकिन एक बात पे उन्हें एडमायर करना चाहिए, 90 साल तक इन लोगों ने काम किया है, 90 साल तक इन्होंने आम लोगों से बात की है, 90 में से कम से कम 60-70 साल तक माहौल सहा। मुझे याद है बचपन में हमारे यहाँ आते थे लोग, हंस दे निकल वाले, इनके मजाक बनाया जाता था, माहौल होता था। इन्होंने तंज सुने हैं, माहौल सुना है, सर झुका के लोगों से बात की। क्या मैंने आपने 90 महीने तक ये काम किया? सो 90 महीने तो कर ले, इन्हें 90 साल इसलिए लगे कि ये जो जहर का इंजेक्शन दे रहे थे ये इस मिट्टी के लिए मुफीद था नहीं, इनको 90 साल लगे। आप और मैं करेंगे 90 महीने में हम जीतेंगे, क्योंकि मिट्टी हमारे लिए बनी है, इनके लिए बनी नहीं, जननी की मिट्टी नहीं है। पर हम काम कर, क्या काम करना होगा, मेरे तीन प्रस्ताव हैं, जैसा मैंने कहा कुछ अटपटे लगेंगे, सुन लीजिए। तीन बड़ी चीजें हैं जिसको हमने नजरअंदाज किया है, या यूं कहिए तीन बहुत बहुमूल्य पूंजी है जो हमने थाली में रख के आरएसएस बीजेपी को गिफ्ट कर दी है। जो हमें करना है वो इन तीनों को वापस लेने के लिए संघर्ष करना है। क्या तीन चीजें हैं? नेशनलिज्म, रिलीजन, कल्चरल ट्रेडिशंस। हमने यानी कि मॉडर्न सेकुलर प्रोग्रेसिव लोगों ने नेशनलिज्म के प्रति हम उदासीन रहे, इंडिफरेंट रहे, रिलीजन का हमने माहौल उड़ाया, और ट्रेडिशन के बारे में हम इलिटरेट रहे। कड़वी बातें हैं, मुझे भी मानने में दिक्कत होती थी, लेकिन ये सच है। नेशन और नेशनलिज्म की जितनी बड़ी विरासत हमें मिली उतनी 20th सेंचुरी में किसे मिली होगी? 20th सेंचुरी के दो सबसे बड़ी मूवमेंट्स अगर मैं सोचता हूं, चाइनीज रशियन रेवोल्यूशन को छोड़ दीजिए, रेवोल्यूशन से अलग तरह, साउथ अफ्रीकन स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये दो दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रगल्स थे जिन्होंने पूरी दुनिया को ऊंचा किया। हम संयोग से, कोई इसमें हमारी खासियत नहीं है, संयोग से हम उनमें से एक के बारे से। इतनी बड़ी
पूंजी को हमने नाली में डाल दिया और इन लोगों से नाली से उठाया और उसको झाड़ पहुंच के पेश कर दिया। जिन लोगों ने एक कतरा खून इस देश की आजादी के लिए नहीं दिया वो आज इस देश के राष्ट्रवाद के ठेकेदार बन रहे हैं। इस पे सिर्फ गाली नहीं देनी चाहिए, ये डायलॉग उनको टीवी डिबेट में सुनाने का नहीं है, ये अपने गिरेबान में झांकने का मौका होना चाहिए। हमने क्यों ऐसा होने दिया, क्या हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती इसको? पर जिम्मेवारी ये है कि हमने नेशनलिज्म के प्रति इंडिफरेंस कर दी। दिक्कत यह है कि हमने इंडियन नेशनलिज्म के बारे में वही रुख अपनाना शुरू किया जो कि यूरोप के प्रोग्रेसिव लोग यूरोप के नेशनलिज्म के बारे में अपनाते हैं। अब यूरोप का नेशनलिज्म बहुत एक नैरो डॉक्ट्रिन है। यूरोप में आप किसी को पढ़े लिखे समझदार आदमी को नेशनलिस्ट कह दें तो वो लगभग माँ बहन की गाली जैसा मामला होता है, क्योंकि किसी को नेशनलिस्ट कहने का मतलब वहां है कि आप जिंगोइस्ट हो, रेसिस्ट हो, आप एंटी माइनॉरिटी, एंटी माइग्रेंट। मगर हिंदुस्तान का नेशनलिज्म तो ऐसा कभी ना था। हमारा नेशनलिज्म रेसिस्ट नहीं था। हमारा नेशनलिज्म ने, हिंदुस्तान के नेशनलिज्म ने हमें अफ्रीका से जोड़ा, हमें लैटिन अमेरिका से जोड़ा, हमें ईस्ट एशिया से जोड़ा। हमारा तो जोड़ने वाला नेशनलिज्म है। इस देश का नेशनलिज्म तो इतना पॉजिटिव नेशनलिज्म है। कोई भी एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म एसेंशियली एक पॉजिटिव नेशनलिज्म होता है। हमने उस नेशनलिज्म के बारे में उसी तरह से एम्बेरसमेंट करना शुरू किया जैसा यूरोप के पढ़े लिखे लोग अपने नेशनलिज्म के बारे में। पॉजिटिव नेशनलिज्म की लेगेसी को हमने नेगेटिव नेशनलिज्म से कंफ्यूज कर दिया और उसके बारे में डरने लगे। राष्ट्र शब्द आते ही आज तो राष्ट्र शब्द बिल्कुल इन लोगों ने अपनी जेब में रख लिया है और सड़क का लफंगा अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हुए घूमता है और मैं आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। माफ कीजिएगा लफंगा वगैरह शब्द कहने के, लेकिन मैं देखता हूं तो मैं इनमें से राष्ट्रीय नेता और पता नहीं क्या क्या करके टीवी पे चेहरे दिखाई देते हैं तो सड़क के लफंगे हैं जिन्हें जो आज ऐसे दिखाई दे रहे हैं। और अगर ये राष्ट्र शब्द को अपनी पॉकेट में रख के चल रहे हैं उसके लिए मैं और आप अपराधी, हमें अपना अपराध कबूल करना चाहिए। दूसरा, धर्म या और कड़वी बातें मैं कहता हूं, एक साथ कई चीजें। धर्म, धर्म के नाम पर धर्म का हमने मखौल उड़ा। ज्यादातर हम टेक्निकली हमेशा कह देते थे देखिए सेकुलर होने के लिए आपको एथिस्ट होने की जरूरत नहीं है इत्यादि, सब अच्छी अच्छी बातें हम सुना देते थे। मगर सच ये है कि हमने धर्म का मखौल उड़ाया और जिस एक धर्म का सबसे ज्यादा मखौल उड़ाया वो था हिंदू धर्म। ये कहने में मुझे पहले आज से 5-7 साल पहले थोड़ा संकोच होता था, लेकिन जैसे मैंने कहा इतना बड़ा क्राइसिस है कि पूरा सच ना बोलना बेईमानी। दलित सवाल को लेके, महिलाओं के सवाल को लेके, जाति के सवाल को लेके हमने एक ऐसा माहौल बनाया जिसमें हिंदू धर्म की खिल्ली उड़ाना सबसे आसान काम हो गया। अब इसमें कोई शक नहीं है कि वो सारी आलोचना सही है, दलित आलोचना सही है, महिलावादी दृष्टिकोण से आलोचना सही है, लेकिन वो आलोचना इस दुनिया के किस धर्म पर लागू नहीं होती, सभी तो ऐसे हैं। और हर धर्म अपने साथ बहुत बेकार की चीजें भी लेके आता है, बहुत सारी गुंजाइश भी लेके आता है, एक नई भाषा भी लेके आता है। आज हिंदू शब्द पे जो कब्जा हो गया है बीजेपी आरएसएस का, जैसे एक कतरा खून इन्होंने देश की आजादी के लिए नहीं बहाया, उसी तरह से हिंदू धर्म से आरएसएस बीजेपी वालों का ठीक वही रिश्ता है जो मोहम्मद अली जिन्ना साहब का इस्लाम से था, यानी कि कोई रिश्ता नहीं। से एक तो लोगों से पूछ ले सीरियस सवाल, आप इनको पता नहीं, एक तो वो हिंदुइज्म होता है ठीक है मेरी माँ ने ये रिचुअल किया मैंने कर दिया इत्यादि ये वाला। अगर आप इनको 5 सवाल सीरियसली पूछ ले इनमें से किसी को पता नहीं है। आपको ध्यान होगा जो वंदे मातरम वाली बहस हुई थी, 2-4 टीवी वालों ने आरएसएस वालों के सामने रख दिया था माइक, आप जरा बोलो, तो किसी से बोला नहीं गया क्योंकि उस परंपरा से इनका कोई संबंध नहीं है। पर अभी मैं हिंदुइज्म की बात कर रहा हूं। हिंदुइज्म का जो नेचर है, जो इसका पोरस ओपन एंडेड नेचर है, वो इस देश की प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी के लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बन सकता था।
हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया। हिंदुइज्म की ये जो खूबसूरती है कि कुछ भी कोई आप उसकी सैकड़ों इंटरप्रिटेशंस कर सकते हैं और सैकड़ों इंटरप्रिटेशंस सही, वो रामायण भी सही है जिसमें राम और सीता भाई बहन है, वो रामायण भी सही है जिसमें रावण हीरो है, वो रामायण भी सही है जिसमें राम हीरो, सैकड़ों रामायण चलती। ये जो खूबसूरती और स्ट्रेंथ थी उसका फायदा उठाने में, उसका उपयोग करना, फायदा उठाना बहुत वो है, ये आपको एक बहुत बड़ी वोकेबुलरी की रेंज देता है। जिससे आपको एक सिंपल मिसाल दूं, जैसे लैटिन अमेरिका में लिबरेशन थियोलॉजी हुई, उन लोगों ने क्रिश्चियनिटी की डीप लैंग्वेज को समझा और उस लैंग्वेज में रेवोल्यूशन के मैसेज को कास्ट किया। हिंदुइज्म में यही सब पॉसिबिलिटीज थी जिससे हमने इनकार किया, और वो इनकार करने से आज जो एक औसत हिंदू के मन में है, मतलब देखने में बड़ी अजीब बात है कि जो आबादी में 80% है वो अपने आप को माइनॉरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त है। आप इस पर हंस भी सकते हैं, आप इस पर चिल्ला भी सकते हैं, आप इसको समझने की कोशिश भी कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, आफ्टर ऑल पागल लोग तो नहीं, कुछ तो हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसे समझना चाहिए, हम शायद पूरी तरह से समझे नहीं इसे। और आखिरी बात, परंपरा, हमारे देश की परंपराओं के बारे में इलिटरेसी को हमने एजुकेटेड होने का नॉर्म बना दिया। किसी पढ़े लिखे हिंदुस्तानी से पूछिए, जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा है वो हिंदुस्तान की किसी जुबान के अंदर लिख पढ़ लेता है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है वो कहता है देखिए हिंदी तो नहीं लिख पाऊंगा, बोल लेता हूं मैं, ड्राइवर से बात कर ले। ये इसलिए मतलब मोनोलिंग्विलिज्म, दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि एक से ज्यादा भाषा बोल सकना डिस्क्वालिफिकेशन है, कम भाषाएं जानना क्वालिफिकेशन। इंग्लिश मोनोलिंग्विज्म जो हमने इस देश में सबसे प्रायोरिटी, सबसे ऊंची पायदान पर रखा, उसने हमें इस देश के सामान्य लोगों से दूर कर दिया। अब आप सोचिए 19वीं सदी का रूस, जैसा आप जानते हैं 19वीं सदी के रूस में, मैंने पढ़ा है ज्यादा जानता नहीं, वहां का जो एलीट था रशियन एलीट, वो रशियन नहीं बोलता था, रशियन तो नीचे दर्जे के लोग बोलते थे, वो फ्रेंच बोला करते थे एक दूसरे से, हम भी तो वैसे ही फ्रेंच, एक ऐसी हिंदी जो सिर्फ थोड़े लोगों को समझ आती है, नफीस उर्दू, लोगों की जुबान तो हम बोलते नहीं, उस जुबान को हम पढ़ते नहीं, और फिर हम हैरान होते हैं कि अरे ये लोग क्या कर रहे हैं, जैसे रशियन एलीट हैरान होता था कि ये पेजेंट्स क्या कर रहे हैं। हमारी परंपराओं में, एक परंपरा नहीं कह रहा, इस देश में सैकड़ों परंपराएं हैं, कोई एक स्ट्रीम इस देश की डोमिनेंट परंपरा नहीं है, पर इस देश के पढ़े लिखे लोगों से आप हिंदुइज्म के बारे में, इस्लाम के बारे में थोड़ा सा पूछ लीजिए, हम सब इलिटरेट हैं, और हम इलिटरेट पर्सनल चॉइस से नहीं है, हमारी मॉडर्न एजुकेशन ने हमें ये इलिटरेसी गिफ्ट की है, हमने इस देश में कल्चरल इलिटरेसी को नॉर्म बनाया है, और जब उससे बम्प फूट गया अब हम हैरान हैं, अरे बाप रे कहां से आ गया, ये वही था आपने आंखें बंद की हुई थी इसके लिए, उससे एंगेज करना, जैसे ही अब मैं कहूंगा परंपरा से हमें संवाद करना चाहिए, हमारे बहुत साथी बोलेंगे परंपरा में तो बहुत कुछ बुरा है, नदी में बहुत कूड़ा आता है पानी के साथ, क्या पानी पीना बंद कर देते हैं, कूड़ा साफ करते हैं ना, कूड़ा साफ कीजिए, परंपरा में बहुत औरतों के खिलाफ बात है, बहुत दलितों के खिलाफ बात है, बहुत कुछ बकवास है, हमेशा होता है, साफ कीजिए, आगे बढ़ेंगे। आप उस नदी की तरफ पीठ मोड़ के नहीं बैठ जाते क्योंकि आपने उसमें कुछ कूड़ा देख लिया है, आपको उससे बात करनी होगी। सो मेरा प्रपोजल ये है, अगर इसे प्रपोजल कहा जा सके, कि एक लंबी लड़ाई के लिए हमें कमर कसनी चाहिए, चाहे 2019 के चुनाव का जो भी नतीजा, एक बहुत लंबी कल्चरल पॉलिटिकल बैटल के लिए तैयार होना होगा। उस कल्चरल पॉलिटिकल बैटल की तैयारी में हमें नेशनलिज्म, रिलीजन्स, सिर्फ हिंदुइज्म नहीं सब रिलीजन्स और ट्रेडिशंस,
इनसे नए सिरे से संवाद शुरू करना, इसकी भाषा को, इसकी वोकैबुलरी को सीखना। आपने देखा होगा मैं स्वधर्म की बात कर रहा हूं, खैर सोच के बोल रहा हूं। हमें नए शब्द गढ़ने होंगे, हमें नए प्रतीक तलाश करने होंगे। एक लंबी कल्चरल बैटल में हमें एक लंबी राजनीतिक तैयारी करनी होगी। ये बैटल सिर्फ कल्चरल नहीं होगा, ऐसे हॉल्स में नहीं होगा, इसमें कई लोग जेल भी जाएंगे, कई लोग जान भी गंवाएंगे, कई लोग अपना लाइवलीहुड गंवाएंगे, जैसे आजादी के आंदोलन में हुआ। बहुत लंबी और बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। मैं डराना नहीं चाहता, मैं अपने आप को तैयार करना चाहता हूं। ये लड़ाई होगी जिसमें कुछ लोग अंडरग्राउंड भी जाएंगे, कुछ लोग ओवरग्राउंड भी काम करेंगे। ये हम हिंदुस्तानियों को ना डेमोक्रेसी फ्री में मिल गई थी, हम इसकी इज्जत नहीं करते। पाकिस्तान के बारे में हम तमाम बातें कहते हैं, उनके मजाक भी करते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को, बांग्लादेश वालों को, नेपाल वालों को डेमोक्रेसी की इज्जत पता है, क्योंकि उन्होंने खून बहाया उस डेमोक्रेसी को हासिल करने की। हम हिंदुस्तानियों ने खून नहीं बहाया, हमें देश को आजादी मिली और साथ में जिसे कहते हैं झुंगे में हमें साथ में डेमोक्रेसी भी मिल गई। अब उस डेमोक्रेसी को हासिल करने के लिए लड़ना होगा, बहुत लंबी लड़ाई लड़नी होगी। हो सकता है वो देश की आजादी की दूसरी लड़ाई जैसी हो, और जैसे मैंने कहा इस लंबी लड़ाई में हम में से कई लोगों को अपना बचा हुआ जीवन पूरा इसमें लगाना होगा। उस लंबी लड़ाई के लिए आज कुछ हम सफल मिल सके, मानसिक स्तर पे, शारीरिक स्तर पे, तो मेरा आज का बोलना सफल हो जाएगा। हिंदी फिल्मों में एक डायलॉग होता है जिसमें हीरो विलेन को कहता है, विलेन हीरो पे कोई टॉन्ट कसता है, कई फिल्मों में डायलॉग आया है, हीरो कहता है तुम्हारे पास सब कुछ होगा, मेरे पास माँ है। इसी तरह से मैं आपको कहता हूं, आज इनके पास सत्ता है, आज इनके पास अबूत पैसा है, आज इनके अंगूठे के नीचे सब कुछ है, लेकिन हमारे पास इस देश की मिट्टी है, इस देश का संविधान है।